से अपना बढ़िया कमा रहा था, खा रहा था, जलने वालों ने इसको भी हटवा दिया। अब मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ, क्या करें, जलने वालों का पेट ही नहीं भरा था। जलने वाले बहुत हैं भाई दुनिया में, भाई इतनी मेहनत करता था तो इतना धंधा पानी भी सही साथ चलता था, बट लोगों को वो भी हजम नहीं हुआ, उसमें भी लोगों की नज़र हमारे ऊपर ही गड़े रखता था। क्या बताएं भाई, ये दुनिया बहुत बेकार है, तो जीने का मन भी नहीं करता। अपनी कहानी तो दोस्तों ऐसी बदल रही थी जैसे लोग किताबों के पन्ने बदलते हैं, वैसे ही अपनी कहानी बदल रही थी यार। अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत कर रहा था कि लोगों को भाई वो खुशी हजम ही नहीं होती यार। वो चीज़ अपन करते हैं, वो चीज़ लोगों को हजम ही नहीं हो रही थी। जो अपनी मेहनत अपन कर रहे थे ना, उस लेवल की मेहनत लोगों को बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही। पता नहीं क्यों यार लोग इतना जलते हैं, और इतना क्यों जलते हैं समझ भी नहीं आ रही है भाई अपने को तो। क्योंकि अपन ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी कुछ करा नहीं, फिर भी लोग अपनी कोई, चलो ठीक है, भगवान भी मुसीबत उसी को देता है जिसमें झेलने की क्षमता होती है, और अपन भी झेल ही रहे हैं, इतना झेल चुके हैं, थोड़ा सा और सही, भगवान ने चाहा तो जल्दी से सब काम सही हो गया। मैं अपनी लाइफ में ना इतना पैसा कमाऊंगा ना कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी बोलेंगी कि मेरे बाप दादा ने कुछ कमाया है। बाकी अभी जितना मैं परेशान हूँ ना, मैं मतलब किसी को होने नहीं दूंगा इतना परेशान, क्योंकि मैं वो मुकाम हासिल करके जाऊँगा ना कि मेरे पोते बच्चे ये सब बोलेंगे कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने कुछ कमाया है, बहुत भयंकर कमा दिया, मर गया तो पता नहीं, बस जिंदा रहते रहते तो इतना पता है कि हाँ मैं इतना नोट कमा के जाऊँगा कि मेरे मतलब मेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चों के बच्चे ये बोलेंगे कि माँ मेरे बाप ने मेरे दादा ने इतना पैसा कमाया। क्योंकि आज के डेट में इतना मैं परेशान हूँ ना भाई, कसम कोई परेशान नहीं हूँ भाई, वो जलने वालों से इतना माँ कसम इतना परेशान हूँ क्या बात। क्योंकि मेरी कंडीशन ना भाई कुछ ऐसी है इस वक्त, क्योंकि मेरे पास 2 रुपए नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। और ज़िंदगी में कभी भी गलती मत करना किसी का उधार लेके, किसी का 2 रुपए लेके, ठीक है, लेना तो उसका वापस कर देना तुरंत ही, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। और YouTube पे भी कभी भी काम मत करना कोई भी भाई, क्योंकि YouTube के चक्कर में रहोगे तो ऐसी गांड मर जाएगी कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम हो या नहीं हो। ये बता रहा हूँ, मैंने एक एक सेलिब्रिटी से मिला हूँ भाई, UK राइडर, शबा इब्राहिम, सम्राट भाई, सम्राट भाई, सबा इब्राहिम जी जी, एलविश यादव, भाई साहब किस्मत का खेल है यहाँ पर, चल गई तो वो आपकी है, आप राजा बन जाओगे, अगर नहीं चली तो कुछ भी नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें बर्बाद होना है तो बेशक काम करो, क्योंकि यहाँ तो लोग बैठे ही हैं बर्बाद करने। और ऐसा वैसा नहीं, और मेरे जैसा बर्बाद होना ना, तो मैं भाई आज 5-6 साल तक काम कर रहा हूँ, और इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया, इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया कि आज मैं खुद का किराए का रेंट ही नहीं भर पा रहा, इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया इस YouTube के चक्कर में। 2016 से काम कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी फिर भी कुछ नहीं हो रहा।
मतलब इतना परेशान चल रहा हूँ कि वन कसम अपनी लाइफ में अगर मेरे मीडिया कोई और हो ना, माँ की कसम वो सुसाइड कर ले, सुसाइड करने पे वो मजबूर हो जाए तुम्हारी कसम। मेरे जो भी लोग देखते हैं ना, मैं कसम से उनकी उनको मैं अपना बहुत बड़ा फैन मानता हूँ। मेरे को जो भी देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, मेरी पब्लिक जो मुझे देखती है, मैं उनको सच बताता हूँ कि मेरे ज़िंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सच बोलता हूँ हर हमेशा, जब भी बोलता हूँ हर हमेशा सच बोलता हूँ। भाइयों, जैसा मैं लड़ रहा हूँ ना अपनी ज़िंदगी से, वैसा शायद कोई भी लड़ रहा होगा। जैसा मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा हूँ, जितना मैं परेशान हूँ, तब मैं जानता हूँ। तो बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब पे ना भाई देखो, झूठों की जो झूठ बोलते हैं ना भाई, वही वायरल हैं, और जो ईमानदारी का सच बोलते हैं ना, वो कभी भी वायरल नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आराम से सच बोलता हूँ, आज से 5 साल से सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सच बोला, पर वायरल आज तक नहीं हुआ। ठीक है, जो झूठ बोल बोल के वायरल हुए ना, उनको मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग भी देखना। आप लोग मुझे थोड़ा मौका तो दो, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, बस व्लॉग में यहीं तक। बाकी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो, तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। चाचू।